अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल इंजीनियर। दोस्तों इस वीडियो में हम एक 3 वोल्ट की एलईडी को 220 वोल्ट एसी पर चलाने का तरीका कर सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे टेक्निकल इंजीनियर चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिए, और अगर आप हमारे पुराने विजिटर हैं, पहले के विजिटर हैं, तो आपका शुक्रिया दोस्तों सब्सक्राइब करने का। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक एलईडी को 220 वोल्ट पर चलाने का तरीका कर सीखेंगे। तो दोस्तों इसके लिए एक आपको 9 वोल्ट बैटरी चाहिए होगी, ठीक है, और 1N4007 डायोड चाहिए होगा दो, ठीक है, उसके बाद एलईडी चाहिए होगी। तो दोस्तों इधर मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ, ये इधर जो है ये 9 वोल्ट की बैटरी के ऊपर ये जो एलईडी है ये अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है, ये आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक और बात, ये जो एलईडी है इसके जो लंबी टांग होती है इसको हम पॉजिटिव कहते हैं, मतलब एनोड, और जो छोटी टांग होती है, ठीक है, शॉर्ट टांग, उसे कहते हैं कैथोड। दोस्तों जो एनोड है वो पॉजिटिव साइड होती है और जो कैथोड है वो नेगेटिव साइड होती है, ठीक है। तो दोस्तों इधर ही आप देख सकते हैं पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव साइड के साथ लगा देता हूँ, और ये जो इधर वाली साइड है ये इधर वाली साइड पर लगा देता हूँ। दोस्तों आप ये देख सकते हैं हमारी एलईडी जो है लो हो गई है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इसे 220 वोल्ट पर चला कर देखते हैं आए कि ये अच्छी तरीके से वर्क करती है या नहीं करती, ठीक है। उसके लिए हम इसे एसी 220 वोल्ट पर लगा लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये इधर मैं इसे लगाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं कि ये 220 वोल्ट है इसे, ठीक है। दोस्तों अब मैं इसे यहाँ पे लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी एलईडी है ब्लास्ट हो चुकी है, ठीक है, ये देख सकते हैं कि नहीं चल रही, ठीक है। तो अब मैं इसे 9 वोल्ट की बैटरी पर चलाकर देखता हूँ आगे उस पर चलती है ठीक तरीके से या नहीं चलती, ठीक है। ये एलईडी को मैं इधर लगाता हूँ, ये पॉजिटिव साइड में और नेगेटिव को नेगेटिव साइड में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो एलईडी है वो ग्लो नहीं हो रही, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने इसे डायरेक्ट 220 वोल्ट दिया है तो ये एलईडी जो है हमारी जल चुकी है, ठीक है। तो इसको 220 वोल्ट पर चलाने के तरीकाकार ये है कि दोस्तों आपको दो डायोड चाहिए होंगे, मानन 4007, ठीक है, ये दो डायोड चाहिए होंगे, ठीक है, उसके साथ 47K की एक रेजिस्टेंस चाहिए होगी, ठीक है, 47K की और एलईडी की। तो इधर आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये एलईडी दूसरी है, न्यू है, तो इसे मैं यहाँ पर चला कर दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लगाता हूँ तो ये रोशन हो जाती है, ठीक है, ये देख सकते हैं जैसे उतारता हूँ तो ये बंद हो जाती है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अब हम तरीकाकार सीखते हैं कि हम इसको जो है 220 वोल्ट एसी पर कैसे चला सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको डायोड लेंगे, ठीक है, उसकी जो ये ब्लैक साइड होती है ये एनोड होती है, ठीक है, और जो लकीरदार है वो कैथोड होती है। तो दोस्तों इसके जो कैथोड को एलईडी के जो है एनोड पर लगाना है, ठीक है, यहाँ पे इसमें बैंड कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आसानी से लग जाए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इसके जो एनोड को एलईडी के एनोड को डायोड के कैथोड पर लगाना है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे मैं इसे पहले लगा लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपने, ठीक है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इधर इसे लगा लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि डायोड की एनोड साइड को एलईडी की पॉजिटिव कैथोड एनोड सॉरी दोस्तों डायोड की कैथोड साइड को एलईडी की एनोड साइड के साथ लगा दिया, और जो इसका डायोड का एनोड है उसको एलईडी के कैथोड के साथ लगा दिया, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से आपने क्या करना होगा कि
दूसरा डायोड लेना है, ठीक है। उसको ये वाले डायोड के कैथोड को कैथोड के साथ और एलईडी के, इसको आपने दूसरा डायोड है इसको एलईडी के जो एनोड है उसके साथ लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि दूसरे डायोड के भी एनोड कैथोड को एलईडी के एनोड के साथ लगा दिए, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह आपने जो 47 के की रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के जो यहाँ पे लगा देना, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को आपने यहाँ पर लगा देना, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं रेजिस्टेंस को लगा दिया है। दोस्तों अगर ये एलईडी को फिर हम दोबारा 220 वोल्ट पे डायरेक्ट लगाते हैं ये रेजिस्टेंस और डायोड लगाने के बाद, तो ये फिर चल जानी, ठीक है। तो अब हम इसको जो है 220 वोल्ट पे ऐसे चलाने के लिए जो है इसको जो ऐसे डायोड और रेजिस्टेंस वगैरह भी लगाने की जरूरत, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, ठीक है। वो डायोड जो है वो बाइसिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो दोस्तों अब इसे हम टेस्ट कर लेते हैं 220 वोल्ट पर, ठीक है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारी एलईडी है वो ग्लो हो चुकी है, ये देख सकते हैं, और अच्छे तरीके से ग्लो हुई है, ठीक है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम इसे डायरेक्ट लगाते 220 वोल्ट पर तो ये जल जानी थी, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आप एलईडी को कैसे 220 वोल्ट पर एसी पर चला सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कमेंट भी करें, ठीक है, और हमारी वीडियो को जो है वो शेयर भी करें, ठीक है। दोस्तों तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारी एलईडी है वो तैयार हो चुकी है, ठीक है। दोस्तों और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।